आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जिसके लिए लिए हमने आधा केजी चने की दाल। अब इसको हम भून के लेते हैं। लो बेसन को, दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है, दाल का कलर चेंज हुआ है, बस इतनी दाल हमें भूननी है। इसको ठंडा होते रखते हैं। हमने चने की दाल को बारीक पीस के लिए मिक्सर में और उसको छन्नी से छान कर भी लिए। ये आधा केजी दाल का आटा है और ये एक चुटकी नमक है, पाव केजी शक्कर है जिसको हमने एक जायफल और 6-7 इलायची डालकर बारीक पीस कर लिए। ये देसी घी है, इसको हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पे लगनी रखे, अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस हमने ऑन किए, अब डालेंगे हम इसमें घी। 150 ग्राम के आसपास हमको घी लगेगा आधा केजी लड्डू बनाने के लिए। लगनी हमारी गर्म हो चुकी है, हमने लगनी के अंदर घी डाले 150 ग्राम के आसपास। घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। घी गर्म होने के बाद हम उसमें आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम सारा आटा एक ही बार में डालेंगे। घी अच्छा गर्म होने के बाद हमें आटा डालना है। आप घी के अलावा वनस्पति डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हो, घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आटे को हमने घी में बराबर 15 मिनट तक अच्छे से भून के लिए। आटा हमारा भूनते आया अच्छे से, स्लो गैस पे भूनना है, फास्ट गैस नहीं करने का। दाल को भी तो हमने पहले भून के लिए थे। आटा अच्छे से भून गया, अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक चुटकी जरा सा डालने का है, ज्यादा डालेंगे तो खारा हो जाएगा। हम डालेंगे येलो फूड कलर, आपको ऑरेंज डालना है ऑरेंज डालो, येलो कलर अच्छा दिखता है, थोड़ा सा डालेंगे हम। आटे में अच्छे से मिक्स करके लेंगे, आटा भी देखो हमारा कैसा अच्छे से घी में मिक्स हुआ है, बराबर ऐसा भून के लेने का। होटल से भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे घर में लड्डू, पूरा मक्खन की तरह बन के रेडी हो चुका है देखो। आटा जैसा हमारा भून के हो जाएगा, उसमें हम पानी का एक छिटा लगाएंगे, एकदम जरा सा पानी डालना है, एकदम नॉर्मल। आटा देखो कैसा फूला है, आटे का कच्चा बन भी निकल जाएगा और आटा भी बन के जल्दी तैयार होगा। पानी का छिटा लगाने के बाद 2 मिनट तक फ्राई करके लेंगे फिर से आटे को घी में। आटे में पानी का छिटा लगाने के बाद हमने आटे को 2 मिनट तक अच्छे से भून के लिए। आटा हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब इसको हम ठंडा होने रखेंगे।
इसको ठंडा होने तक हम इंतजार करेंगे, बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। आटा हमने घी में भून के लिए थे और ठंडा हो चुका है, अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये शक्कर है जो पीस के रखे थे हमने, इसके अंदर जायफल रखा और 7-8 इलायची पीसे थे, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। दोनों को अच्छा मिला के लेंगे। हमने सबको अच्छे से मिक्स करके लिए, अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे बेसन के लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं।